हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो मैंने मीशो से एक ऑर्डर किया था, उसी का पार्सल आज आया है, तो वही हम ओपन करेंगे। मैंने मीशो से वुडन स्पाइसी बॉक्स मंगवाया है, जो कि मैं काफ़ी समय से सोच रही थी कि इसे ऑर्डर करूं। काफ़ी समय से मेरी स्पाइसी बॉक्स पे नज़रें टिकी हुई थी, तो आज ये वुडन स्पाइसी बॉक्स आ ही गया। पैकिंग तो ठीक ठाक ही है। ये थर्माकोल की शीट आई है, इसे हम हटा देंगे और फिर इसे हम ओपन करेंगे। तो ये देखिए, ठीक ही साइज है इसका। और ये स्पून आई है इसके साथ एक, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है ये। तो स्पाइसी बॉक्स को जब हम ओपन करेंगे, तभी हम यहाँ पे मिलता है एक एंटिक सालोक, जो कि गोल्डन कलर का है। इसकी लिड पे जो ये पेपर है, इसे हम हटा देंगे। इसकी लिड पर ग्लास लगा हुआ नहीं आया है, एक प्लास्टिक की शीट है वो लगी हुई आई है। शीशे की लिड आती तो काफ़ी अच्छी होती, पर ये प्लास्टिक है। इस पे डस्ट पड़ के ये प्लास्टिक जल्दी ही ख़राब हो जाएगा, चमक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी इसकी। तो इसके साथ ये कटोरियाँ आई हैं, तो लग तो काफ़ी अच्छी रही हैं, क्वालिटी भी ठीक ठाक है, बढ़िया है क्वालिटी इसकी। जितना अच्छा मैंने सोचा था उतना अच्छा तो नहीं है, मसाले इसमें जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे। वैसे इसकी लुक की बात करें तो काफ़ी अच्छा है, इसमें आप खड़े मसाले रख सकते हैं, वो किचन में कम लगते हैं। मैंने इन सारी कटोरियों को अच्छे से चेक कर लिया है, ये कहीं से भी क्रैक नहीं है। जब भी मैं सामान लेके आती हूँ या मंगवाती हूँ, तो उसे अच्छे से चेक जरूर करती हूँ। इसमें ये टोटल 9 कटोरियाँ आई है। ये स्पाइसी बॉक्स मुझे काफ़ी सस्ता पड़ा, 463 का मुझे ये मिल गया, शायद इसलिए इसकी लीड है जो प्लास्टिक की आई है, शीशे की नहीं आई। इस स्पाइसी बॉक्स को हम डेली यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए मेरा मन अभी इसे वापस भेजने का बन रहा है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो एक बार फिर मिलते हैं कुछ नया लेकर, तब तक के लिए थैंक यू।